हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू अवर क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिटेज। सो हेरिटेज में हम लोगों ने कुछ ट्रैक्स के बारे में भी देखे थे, उसके बाद हम अपने स्टडी कर रहे थे क्या रिसेसिव ट्रैक्स के बारे में और डोमिनेंट ट्रैक्स के बारे में। डोमिनेंट ट्रैक्स मतलब जो ज्यादा प्रभावी होता है वो डोमिनेंस कहलाते हैं, जो प्रभावी नहीं हो पाता वो रिसेसिव ट्रैक्स कहलाते हैं। तो हम पहले पेंटर्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रैक्स कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले पिन प्लांट्स को मटर के ऊपर सबसे पहले स्टडी किया था। एक क्वेश्चन आता भी है कि उन्होंने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था, उसका भी आते हैं हम आंसर आपको सॉल्व करके बताएंगे। सो ही कंडक्टेड फर्स्ट, उन्होंने दो तरह के हाइब्रिड चलाए, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिडाइज कर, पहले तो आप इन्हीं सब चीज़ हाइब्रिडाइज कर। सीड्स को क्या करते हैं, जनरली दो अलग अलग कैरेक्टर्स की सीड को एक में मिक्स करते हैं और एक नया क्या करते हैं, जनरेशन का या नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर, वो कहलाता है हाइब्रिड। एक ही कैरेक्टर को लिया गया तो मोनो हाइब्रिड, यदि दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेते हैं तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड। सो सबसे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड में इन्होंने मेंडल से शो किया था क्या कि सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो दो से एक अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने क्या क्रॉस कराया। इन्होंने पहले सबसे फर्स्ट कर प्योर टार प्लांट्स, मतलब लंबे हाइट वाले प्योर मटर के प्लांट्स। अब एक कैरेक्टर ये हो गए, वैसे दूसरे कैरेक्टर से आप उसी में प्योर डॉर्फ प्लांट्स, मतलब कम हाइट वाले प्लांट्स के सीड लिए। एक तो पी मटर के लंबे हाइट वाले प्लांट्स के सीड लिए, एक कम हाइट वाले प्लांट्स के सीड लिए। तो हम लोगों ने सबसे जिसको लंबे टाला कैपिटल टी से शुरू किया, टाल वाले को कैपिटल सी टी से शो किया, वही डॉर्फ वाले को स्मॉल टी से शो किया। तो ये दो कहलाएंगे पहले, क्या कहलाएंगे पहले, डबल डबल इसके शो करें क्रोमोसोम के हिसाब से। अब इसमें से पहले में से एक एक कैरेक्टर एक टी को यहाँ ले लिए और इसमें भी स्मॉल टी यहाँ, ये कहलाते गैमेट्स कहलाते। क्या कहलाते, गैमेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इसके सीड को टाल प्लांट वाले सीड को द्वार प्लांट वाले सीड में मिक्स किया गया, तो वो जनरेशन क्या होता है एफ वन जनरेशन। सपोज जो प्लांट हुआ वो होता है एफ वन जनरेशन, और उसके बाद उसी प्लांट से और आगे प्रोडक्शन हुआ तो एफ टू। जैसे कि दादा दादी हैं उनके कैरेक्टर्स, उनके जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुए उनके चाइल्ड फिर और चाइल्ड की एफ वन जनरेशन, उसके बाद फिर दूसरे के क्या कहा था एफ टू जनरेशन कहा। तो सिमिलरली क्योंकि जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन में उन्होंने देखा कि जब दोनों प्लांट की सीड को मिक्स करके उगाया उन्होंने, तो जो प्लांट पैदा हुए उससे वो प्लांट्स क्या थे, कुछ प्लांट्स में गया था तो उसके एफ वन जनरेशन हुए, और जितने भी प्लांट्स पैदा हुए सब लंबे हाइट वाले थे। देखिए कैरेक्टर दोनों का मिक्स किए थे, सीड दोनों का मिलाए थे, मतलब डीएनए दोनों के मिक्स किए थे, तो लंबे हाइट वाले प्लांट्स के भी डीएनए मिक्स किए थे, दूसरे कम हाइट वाले प्लांट्स के भी डीएनए मिक्स किए थे। बट मिक्स करने से जो सीड बना उस सीड को फिर लगाया, तो जो प्लांट पैदा हुए वे प्लांट्स लंबे हाइट वाले प्रोड्यूस हुए। तो उन्होंने उसी में दो नाम फिर आइडेंटिफाई किए, फर्स्ट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जो प्रभावी था फर्स्ट जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन के जितने भी प्लांट्स पैदा हुए वे प्लांट्स सब टार प्लांट्स वाले, तो एक आ जाता है फिनोटाइप, मतलब जो टाइप मतलब फिनोटाइप उसका जो जीनेटिक टाइप, जीनेटिक टाइप क्या टी और स्मॉल टी दोनों से मिलने वाला था। तो इसमें देखिए जो टी वाला था वो कहलाएगा रिसेसिव, क्या बोलते हैं उसको, रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब वे पहले जनरेशन में प्रोड्यूस नहीं हो पाए। और जो यहाँ पे इस कैपिटल टी वाला वो कहलाएगा डोमिनेंट कहलाएगा, जो पहले जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ, मतलब दोनों को मिक्स करने से लंबे हाइट वाले प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, तो लंबा हाइट वाला कैरेक्टर कहलाएगा डोमिनेंट, कम हाइट वाला कैरेक्टर कहलाएगा रिसेसिव, तो जो प्रोड्यूस नहीं हो पाए। फिर उन्होंने क्या किया, सीड तो एक ही बनता नहीं, उन्होंने बहुत सारे सपोज की और पी स्मॉल टी वाले सीड्स दिए, अब फिर उनके बीच क्रॉस करवाया जिसको सेल्फ क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। पहले तो एक एक दोनों का कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, फिर जो प्रोड्यूस हुआ सीड उस सीड में क्या कैरेक्टर्स उसमें दोनों मिक्स थे, मतलब कैपिटल टी के प्लांट्स भी थे और स्मॉल टी वाले प्लांट्स भी थे, बट उसमें जो बना था प्लांट प्रोड्यूस हुआ सब लंबे हाइट वाले। इसमें ये शो करता है कैपिटल टी वाला ज्यादा प्रभावी थे, स्मॉल टी वाला प्रभावी नहीं था, तो उसको रिसेसिव बोलते हैं। फिर उन्होंने इसी के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया, आप देखिए उसी का मेल ले लिए दो अलग अलग लेते हैं, सपोज ये वन गैमेट है मेल है दूसरा फीमेल है,
एक साइड में ये टी और टी, सपोज मान लेते हैं ये फीमेल है, दूसरे साइड में टी और टी मेल है। चलिए अब क्या क्या बनते हैं पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन देखिए टी और टी मिक्स होने से बने टी और टी, टी और स्मॉल टी मिक्स होने से बने टी स्मॉल टी, टी और इसका कैपिटल टी सो टी स्मॉल टी, टी एंड स्मॉल टी सो दैट टी टी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे टी पे लगे जीरो टाइप बन गए, जो शो कर रहे हैं इसको जीरो टाइप बन गए, प्रोड्यूस होता है फिनो टाइप का। चलिए रिजल्ट देखते हैं इसका। अब देखिए रिजल्ट हमने विंटर्स के एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, इधर ये टाल प्लांट और बाहर सपोज मैं बोलता इसमें की वायलेट कलर और टी प्लांट, देखिए दो कैरेक्टर हो गए, तो कलर भी होगा एक उसका हाइब्रिड होगा। उसी तरह इसको बोलते हैं ब्लू और ब्राउन, देखिए कलर भी हो गया हाइट, तो दो कैरेक्टर बन गए, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं दोनों हाइब्रिड में जैसे वन कैरेक्टर। अब देखिए रिजल्ट नंबर ए फॉर जनरेशन में क्या बना था, फिनोटाइप, फिनोटाइप इसको बोलते हैं, ठीक है फिनोटाइप क्या है टी और स्मॉल टी। तो यदि टी और स्मॉल टी आता है तो उसका कैरेक्टर कैसा था, आर प्लांट्स आर टार, इसका प्लांट्स आर टार प्लांट्स, इस जनरेशन में एफ वन जनरेशन फिर एफ टू जनरेशन में उन्होंने मिक्स किया तो तीन तरह के देखिए जीरो टाइप बने, टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। चलिए जीरो टाइप मिक्स देखिए, पहला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी है ना स्मॉल टी। अब आपको पता है इस तरह की जीरो टाइप का फिनो टाइप क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है तो टार प्लांट्स, यहाँ पे लिखेंगे टार प्लांट्स, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी हो ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसका कैरेक्टर क्या होगा टार प्लांट्स। यदि स्मॉल टी हो इसकी दोनों स्मॉल टी होता है तो क्या होता है कैरेक्टर डॉट प्लांट्स। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि उसके एक्सपेरिमेंट में यदि पहले जनरेशन में सपोज कोई कैरेक्टर घर के सामने नहीं आया, जैसे इसमें देखिए बार बार पहले जनरेशन में नहीं आया, लेकिन जब उस जनरेशन में सीड बने उनके बीच जब उन्होंने क्रॉस कर दिया तो क्या बना था उसमें उसमें डॉर्फ कैरेक्टर्स भी आगे आते हैं। तो उन्होंने ये सोच दिया कि कैरेक्टर्स को जरूरी नहीं कि मम्मी और पापा के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाए, हो सकता है उनके दादा दादी के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जा सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में आगे ना बढ़ के डे आफ्टर नेक्स्ट जो जनरेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं दैट विल बी सो होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से इसका परसेंटेज देखिए ओवरऑल आप देखिए वो कितने हैं, फोर बने फोर को डिवाइड कर देंगे वहाँ पे, तो इसका जो रेशियो बने तो देखिए ये रेशियो बनेगा वन रेशियो टू रेशियो वन। अब इसको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको, ये कितने बने वन टू थ्री फोर बने, फोर हंड्रेड को फोर से डिवाइड करेंगे 25, तो टी वाले कैरेक्टर बनेंगे 25%। टी और स्मॉल टी देखिए कितने वन और टू, तो इसको मान लेते हैं हम 50%। स्मॉल टी कितना वन, तो स्मॉल टी को क्या मान लेते हैं यहाँ से 25%। इसी परसेंटेज रेशियो को मैंने यहाँ पे लिख दिया वन रेशियो टू रेशियो वन। तो क्वेश्चन आता भी है कि मोनोहाइब्रिड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो जीनोटाइप का रेशियो होगा वन रेशियो टू रेशियो वन। फिनोटाइप क्या होगा, एफ वन जनरेशन में पूछे तो लिखेंगे आर प्लांट्स आर टॉल तो लंबे हाइट वाले थे, यदि एफ टू जनरेशन में पूछेंगे इसमें लिखना सम 25% प्लांट्स आर टॉल सॉरी 75% प्लांट्स आर टॉल, यहां पे होगा टोटल 75% का हाइट क्या था टॉल और इसका परसेंट 25% क्या था इसमें डॉट। तो देखिए क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, यदि जीरो टाइप रेशियो आता है किस तरह से जीरो टाइप का रेशियो क्या आता है 75 और 25, इसको भी हम लिखेंगे 75 25 मतलब टी रेशियो वन। तो क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं जीरो टाइप भी आ सकता है जीरो टाइप, यदि इसका जीरो टाइप आता है तो ये तो वन ही है क्लियर, जीरो टाइप में डार्क क्लास आता है। तो ज़्यादातर एफ टू या रिसर्च में पूछे जाते हैं, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। ओके थैंक यू। सो हियर यू हैव होमवर्क क्वेश्चन, ड्रॉ द चार्ट जीरो टाइप जीरो टाइप का फॉर्मिंग क्रॉस हाइब्रिड। यहां देखिए इस बार आपने हमें कैरेक्टर दिया है राउंड शीट और
सिलिंग सीड। तो राउंड सीड को हमने यहाँ पे जीनो टाइप शो किया है, आर आर पैरेंट से इसके, इसके पैरेंट से स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। सिमिलरली इससे पहले जो बनाए थे वैसे आपको बनाना है, उसके फिनो टाइप जीनो टाइप एफ वन जनरेशन रिजल्ट सभी आपको शो करना है। सो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप। क्लियर? ओके, थैंक यू।